गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाना और पीना सभी को बहुत पसंद आता है। ऐसे में नारियल शेक आप ट्राई कर सकते हैं, यह आपको ताजगी और स्फूर्ति से भर देता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर, जहाँ आज हम बनाएंगे नारियल मिल्क शेक। कप नारियल, कच्चे नारियल का छिलका निकाल कर हमने उसे कद्दूकस कर लिया है। 2 चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कतरे हुए बादाम और 2 कप दूध। सबसे पहले एक जार में ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे और आधा कप दूध। अब इसे पीस लेंगे। नारियल को पीस लिया है। अब एक स्ट्रेनर में इसे डालेंगे और इसे दबा दबा कर इसका मिल्क निकाल लेंगे। बचे हुए पल्प को फिर से मिक्सर जार में डालेंगे। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और आधा कप दूध डालकर फिर से इसे पीस लेंगे। इसे पीस लिया है। अब इसे दोबारा छान लेंगे। इसे दबा दबा कर सारा मिल्क निकाल लेना है। मिल्क निकाल लिया है। बचे हुए पल्प का हम चटनी या किसी भी मिठाई में यूज कर सकते हैं। अब इसमें बचा हुआ 1 कप दूध मिलाएंगे। अब 2 सर्विंग ग्लास लेंगे, उसमें आइस क्यूब डालेंगे। अब इसमें कोकोनट मिल्क शेक डालेंगे। अब इसे कटे हुए बादाम से सजा देंगे। नारियल मिल्क शेक तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।